धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल। अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई हैं, कुदरत की देन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं, और उसने बनाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं, यानी कि वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन। इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप S28 से बनाया गया है। इसको बनाने में 1 मिलियन यूरो की लागत आई, और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। गाइस, आपको इंसान द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कंपनियां हमारे दिमाग से खेल के किस तरह से माल बेचती हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई टी शर्ट दिखाई दी जिसपे 1000 रुपए लिखे हैं, तो शायद आप उसे ना लें, लेकिन अगर उसके 1000 रुपए लिखने का तरीका बदल दें तो शायद आप उसे खरीद लेंगे। कैसे? अगर उस टी शर्ट पे 2000 रुपए लिखें और उसे काट कर 50% डिस्काउंट का स्पेशल ऑफर दिखा के फिर उसे 1000 रुपए में बेचेंगे तो शायद आपके खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बात है 1997 की, जब गूगल ये चाहता था कि उसका सर्च इंजन $2 मिलियन में याहू खरीद ले। डील बुरी नहीं थी, लेकिन याहू माना ही नहीं। फिर उसके बाद समय का चक्का घूमा, 2002 में याहू खुद $3 बिलियन का ऑफर लेके गूगल के पास पहुंचा, लेकिन तब तक गूगल अपनी वर्थ समझ चुका था और उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया, और आज रिजल्ट सबके सामने है। आज के समय गूगल $400 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, और याहू की वर्थ $5 बिलियन भी नहीं है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है, ये राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। आपको इफेक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, कभी कभी बच्चा बनने में बड़ा मजा आता है, और बच्चों के फैक्ट जानने में तो उससे भी ज्यादा एंथुसिएज्म पैदा होता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 बच्चों जैसे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, फीमेल कैमल यानी कि ऊंटनी एक ऐसा जानवर है जिसके दूध का कभी आप दही नहीं बना सकते। फैक्ट नंबर 2, सुअर एक ऐसा जानवर है जो आकाश में कभी नहीं देख सकता। फैक्ट नंबर 3, गाय सीढ़ियां चढ़ तो सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। और फैक्ट नंबर 4, एलिफेंट यानी कि हाथी एक ऐसा मैमल है जो कि कभी कूद नहीं सकता, यानी कि जंप नहीं मार सकता। है ना ये 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गाइस, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से लोगों का जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आप लोगों को वो रीजंस पता लग जाएं तो शायद आप वो गलतियां ना करें और आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। नंबर 1, 70% लोगों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो इंटरव्यूअर के साथ में आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाते। अगर आप लोग आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की और ट्रस्ट की बेहद कमी है। नंबर 2, 50% लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए गए हैं उसके बारे में उन्हें कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, इसलिए जब भी जाएं पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाएं। अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आज इस दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से लोगों का जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाता है, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता। अगला रीजन है आपके गेट से अंदर आने का स्टाइल। 55% लोग सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वो गेट खोल के बहुत एटीट्यूड के साथ अंदर आते हैं। सो प्लीज उसमें थोड़ी सी शालीनता बरती है। अगला रीजन है आपका बैठने का स्टाइल, आपका पोस्चर। अगर आप लोग हाथ बांध के बैठ रहे हैं तो ये आपके रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अगर आपके मुंह पे स्माइल नहीं है तो ये भी आपके रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और वीडियोज के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।